Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlog. So guys, आज मैं हूँ Quality Goat Farm पे उमर भाई के साथ में. माशाल्लाह, आज काफ़ी दिनों बाद Quality Goat Farm की वीडियो बनने वाली है, तो देखते हैं आज क्या दिखा रहे हैं उमर भाई वीडियो के अंदर. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम सलाम समीर भाई, खैरियत है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी. कहाँ गायब हो गए थे यार? कहाँ गायब नहीं, मार्केट में ही है, अंदर ही अंदर खेल रहे. जो चल धीरे धीरे चल रहे, धीरे धीरे जैसा चल रहा है चलने दे रहे. सही. आज क्या दिखाने वाले उमर भाई? आज तो अपन पहली वीडियो में इंशाल्लाह पलाई का बताएंगे कि आपने बस पलाई के लिए खस्सी की जगह अवेलेबल है, अंडों की भी जगह अवेलेबल है. जैसे कि आपके पीछे भी आप देख सकते हैं, फीमेल के लिए भी ये बार पलाई अवेलेबल है अपने पास. अरे वाह, माशाल्लाह, फीमेल की पलाई चालू कर दी. पलाई अवेलेबल है 2500 रुपए महीने से. जैसे कि ये गाले में पूरे फीमेल ही है अपने पास, ये पूरा एक्सक्लूसिव फीमेल का कर दिया. एक्सक्लूसिव फीमेल है, इसमें सोजत है, गुजरी है, सब अलग अलग ब्रीड के फीमेल्स अवेलेबल है. ओके. बच्चे भी जैसे देख सकते हैं, बच्चे भी दी हुई जो फीमेल है वो भी मस्त है, बच्चे भी एकदम फिट एंड फाइन, तंदुरुस्त है, दूध पी रहे. माशाल्लाह, यहाँ बच्चे है, बाहर बच्चे, कोई वो गाले में बच्चे गए. ये बाहर घूम रहा है, यही का है क्या? बाहर निकल गए. यहाँ एक बच्चा वहाँ तरफ गया, उधर घुमाए. हाँ, उधर घूम रहा है. मस्त, तो मतलब एकदम खा पी के मस्त, खा पी के मस्त है. अच्छा, जो बकरी लोडेड है ये सब आप ही की देख रहे हो? सब मैं ही देख रहा हूँ. डिलीवरी का अगर टाइम आ रहा है तो उनको बाहर ला रहे हैं, और बकरी अगर खाली है तो अपन कस्टमर को बोल रहे कि आपके पास कोई बकरा आएगा तो उससे लगाओ. अपन के पास जो बकरा है उससे अपन नहीं लगा रहे, अपने पास से बकरा नहीं दे रहे. अगर कस्टमर के पास है तो वो यूज़ कर सकते हैं. जी जी, ठीक है. सो बकरियों की पलाई भी यहाँ पे चालू है. 2500 रुपये पर मंथ, 2500 रुपये पर मंथ है. हाँ, बकरियों की, खस्सी बकरों की 3000 रुपये पर मंथ है. आलू की 3500 रुपये पर मंथ है. हाँ, अभी जैसे कि टाइम आ गया था, ठंडी का चालू होने वाला है. हाँ, हाँ, बकरियों के बाल बिल सब कट गए, यहाँ पे भी दिखा सकते हो. सब बकरों के बाल कट गए माशाल्लाह. और बकरों की तैयारी देखो आप, अभी ये देखो, वो देखो, मस्त खा पी के मस्त सो रहे अभी. और बारिश का मौसम अभी समझो यहाँ से गया है, रवाना हुआ है. नहीं, अभी तक रवाना नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ है. अभी पाएंगे एक और, हाँ, एक और झोंका लगेगा, एक और झोंका लगेगा. हाँ, तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे बारिश खत्म हुई है और फिर इनकी तैयारी का टाइम चालू होगा. तेल वेल ये वो सब अभी सब तेल चालू हो जाएगा. ये सब बच्चे भी पलाई पर है? ये सब बच्चे अपने पास से बिक के अपने पास ही पलाई पे है. इनकी अपने वीडियो भी बनाई थी ना, इनकी वीडियो जो बनाए थे वो बर्बरे के लिए, तो इतने कॉल आए माशाल्लाह. वो तो पहले ही इस पे गया. ये बकरे के लिए कॉल आए थे, ये बकरा भी आपको याद होगा. फिर वो मेवाती बच्चे थे, फिर वो सोजत था, एक गुलाबी बच्चा. लगभग लगभग बच्चे इसमें से बिके, जितने बच्चे आपके से इस पे डाले थे सब बिक गए. एक आध दुकान रह गए, वो तो इंशाल्लाह आगे अभी बड़े ही हो रहे, खा पी के बिक जाएंगे. सही, इंशाल्लाह. सबके बाल कट गए, खुर कट गए, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है, हाईटेक हो गया है, डीवॉर्मिंग हो गई है, कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट है. अगर इसमें से कोई बकरा, जैसे ये दो बकरे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपन बताएंगे, दोनों जोड़ा ही है, एक ये बकरा है और ये बकरा है. ओके, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. किसी को लेके अपने पास रखना है तो रख सकते हैं, ले जाना है तो लेके जा सकते हैं. ठीक है. खसियों की पलाई 2500 रुपये है, खसियों की पलाई 3000 रुपये है. अच्छा, 3000 रुपये बकरियों की पलाई, 2500 रुपये बकरियों की पलाई है. जी, और इसमें कोई ऐसा बच्चों का जो अगर कोई बच्चा देती है? नहीं नहीं, उसमें तो क्या हो, तो उसका ही दूध पीने वाली है. जब बच्चा 3 महीने के बाद होएगा, जब दूध छोड़ेगा, जब उसकी पलाई अलग से लेना चालू कर. मतलब अभी ये बच्चा फ्री में पल रहा है? ये भी बच्चा, ये दोनों बच्चे फ्री में है, और जितने बच्चे होंगे इसके अंदर वहाँ सब फ्री में ही पल रहे. अभी फिलहाल फ्री में पल रहे क्योंकि अभी ये माँ का दूध पी रहे हैं. ठीक है. इसके बाद जो है 3 महीने के बाद जो है इनकी भी पलाई जो भी पलाई चालू हो जाएगी. इसमें जो मेल होंगे उनकी पलाई अलग, मेल की फीमेल की जैसी रहेगी अलग. जो तो मतलब एकदम स्टार्ट से, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि 3000 रुपये. जैसे एक कैटेगरी रहेगी, मतलब अभी 3 महीने के बाद बच्चा आया तो उसकी 1500 रुपये लेगी. जैसा जैसा ग्रोथ लेगा वैसा पलाई बढ़ती जाएगी. जी, अभी क्या दिखाने वाले? ऊपर चले, अंडुल का कलेक्शन दिखाते. चलो माशाल्लाह, ऊपर चलते हैं. ऊपर अंडुल का सेक्शन है, वो दिखाएंगे. तो ये है इनका अंडुल सेक्शन, अंडुल सेक्शन, केज का डिपार्टमेंट. नीचे जो है वो बाड़े वाला सिस्टम है, ऊपर जो है वो केज वाला सिस्टम है. माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, मस्त खाओ पियो, तंदुरुस्त रहो. खा पी के मस्त आराम कर रहे थे मेंढे वगैरह जो भी है. सब केज फुल हो गए क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, एक दो केज खाली है बस. वाह, सब केजों में है बच्चे माशाल्लाह, क्या बात है. पहले इसकी तो क्या पलाई ले रहे हैं अंदर से? फीडर भी बाहर निकाल लिए. लोगों की बोलना था कि भाई फीडर बाहर निकालो, ऐसा ऐसा, तो फीडर भी बाहर निकाल लिए. ये बाहर थे पाल, पहले बाहर नहीं थे अंदर? ये एक तरफ के अंदर थे, एक तरफ के बाहर रहते थे, अभी दोनों तरफ बाहर हो गए. सही है, मतलब काम कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रही. बच्चा पड़ा है,
अच्छा, ये केज में डाल दिया इनको? ये केज में इसके लिए क्योंकि ये उनके साथ का नहीं है, वरना मिक्सअप हो जाएगा तो बच्चा फिर और बकरी फिर समझ में नहीं आएगी। हाँ, फिर वो ये पर्सनल कस्टमर की है तो ये अलग से। ओके, तो ऐसा कोई कस्टमर डिमांड करता है कि मेरे को केज में रखो मेरी बकरी को? रख सकते, तो वो उनका एक ही पर्सन का लॉट है तो उसके लिए एक साथ रखा, वो एक ही जन का है, पूरा एक ही जन का लॉट। ओके, सही। और ऐसा कोई पर्सनल में बोलेगा रखने तो उसको रखेगी? बोलेगा तो रख देगा। कितने केज है अभी खाली अपने पास? खाली में 2-3 केज ही अवेलेबल है। हाँ हाँ, ऐसा समझो 5 केज हो जाएगी। ये किसका है भाई? ये भाई सेल के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएगी। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बकरा है वो, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। मेंढो का कलेक्शन कहाँ है यार भाई? मेंढो का कलेक्शन यहाँ पीछे इतना था विलायतियों का, अभी सामने हाँ। देखो देखो, नाम लिया उसने, देखा आपको। माशाल्लाह, पलाई पे? पलाई पे। ओहो, बहुत अच्छे। मेंढो की क्या पलाई है? 3,500 रुपये। 3,500 रुपये। मेंढे और अंडुल दोनों सेम है? मेंढे और अंडू दोनों सेम। ये क्या है? मेंढा है, बुला रहा है आपको। अच्छा अच्छा, ऐसा विलायती? विलायती। तैयारी देखो, कभी आया ये मेंढा अपने पास भाई? 2 महीने हो गए। क्या वेट पर आया था? 70। 70 किलो पे अभी क्या होगा? 85। ओहो माशाल्लाह, दांत? दांत दो दांत हो, दो दांत पे होगा। हाँ। ओहो, विलायती कहाँ का? पठानकोट। पठानकोट माशाल्लाह, ये देखो। चलो, ये सब बिग शॉट बकरे हैं, ये अपन दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, केस तो लगभग लगभग अल्हम्दुलिल्लाह सभी फुल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, ये रिबिट देखो इसकी, दो दांत, 82 किलो। किसका है ये भाई? ये भी, ये इंशाल्लाह सेल के लिए ये भी बताएंगे आपको। क्या रिंकल है उसके ऊपर यार, विलायती क्रॉस में वो है क्या, मरीनो है क्या? नहीं नहीं, विलायती रिंकल अच्छे है इसके ऊपर माशाल्लाह। ये अपने पर्सनल है दोनों? ये दोनों पर्सनल है। वाह, ये देखो गुजरी। अरे वाह, इंशाल्लाह ये साल बताएंगे। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन चीज़ है वो। ये साल में शो होने वाला है वो? ये साल 2025 का, 2025 की क्वालिटी गोट फार्म का बेहतरीन बकरा होने वाला है वो। सेल्फ पे रहेगा ना? नहीं नहीं, इंशाल्लाह नाल पे लेंगे। नाल पे लेंगे। एक बकरा हर साल तैयार करते हो ना तुम? नहीं, लास्ट ईयर तो 4 बकरे तैयार किया था। सबसे हाईएस्ट 152 था, सबसे लोएस्ट 135 था, 130 था, सॉरी 130 सबसे लोएस्ट था। हाँ, ये देखो, ये है मेंढो का कलेक्शन, सारे केज फूल है। तुम बोलते हो एक दो खाली है, खाली करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, वो तो हो जाएगी, जैसे अभी ये एक्स्ट्रा में बच्चे पड़े ना उनको हटा, ये तो बाहर आ जाएंगे, खूटे पे चले जाएंगे ना। ओके ओके ओके, सही है। मतलब अभी केज कितने बकरे के लिए दे सकेंगे अगर आप कोई? तो 5 बकरे के देंगे, किसी को बहुत बड़ा केज चाहिए तो बहुत बड़ा केज भी देंगे। अच्छा, ये बड़ा केज हो गया उसके लिए? बड़ा केज पर्सनल, नटिये भी रखे इंशाल्लाह, ये भी भराई पे तैयार होता है। हाँ सही में, हाँ उसको नाल पे लेंगे? नाल पे, नाल पे। वाह, और ये है खूटे सिस्टम, यहाँ पे खूटे पे डालो, लाइन से खूटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट तक डाल सकते हैं, जितने रिक्वायरमेंट आएगी। सामान रखे ला ऐसे, यहाँ पे सामने खूटे है, ये एक है, एक तो यहाँ बांधा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेंढो की और अंडुलों की पलाई 3,500 रुपये है? मेंढो की, बकरों की 3,500 रुपये, खस्सी की 3,000 रुपये है, ठीक है, और बकरी की 2,500 रुपये चाहिए। अभी सिर्फ 5 केज जो है वो मिल पाएंगे आप लोगों को जी, बाकी सारे फुल है। खूटे मैं समझता हूँ 3-4 मिल जाएंगे? नहीं, खूटे तो 10-12 मिल जाएंगे, नीचे भी खूटे अवेलेबल। अच्छा। है पीछे वो वाला रूम तो जो लास्ट टाइम मेंढे, वहाँ पे अपने 15 खूटे अवेलेबल है। तो मतलब अंडू भी अपन 25-1 ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, और खस्सी भी 50-1 बकरे आ सकते हैं, बकरी भी आ सकते हैं। ओके, जो भी चार्जेस है इसके अंदर, खुर कटिंग, हेयर कटिंग, वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीनेशन, ईयरली 1,000 रुपीज है, ईयरली 1,000 वैक्सीनेशन का रहेगा, ठीक है। तो बाकी जो चार्जेस है, खुर कटिंग, हेयर कटिंग, ये सारी चीज़ें फ्री है। बकरे आप यहाँ पे भेजो माशाल्लाह, आज से नहीं काफ़ी टाइम से, क्वालिटी गोट फार्म जो है भिवंडी के अंदर से एक अच्छा फार्म सेट है, रनिंग कर रहे हैं और तैयारी भी अच्छी अच्छी निकाल के दिखा रहे हैं लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बताते हैं, ये लास्ट टाइम भी बुलाना था आपको, पर टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पा रहा, मैं नहीं आ पाया, तो अपनी बात तो हुई थी लेकिन 2-3 बार हो गई, पर टाइमिंग एडजस्ट नहीं बन पा रहा था इसके लिए, तो नहीं आ पाया मैं इस साल। लेकिन ऐसा कुछ करेंगे कि एक ही टाइम शेड्यूल सेट करेंगे और उस टाइम पे अपन किसी को लास्ट टाइम की तैयारी देखना है तो लाइफ विद एनिमल और आसिम शेख पे मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह जी भाई। और इंशाल्लाह ये साल मैं कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल कर यहाँ पे शूट करें। तुम भी थोड़ा कोशिश करना कि सीजन से पहले कोशिश करना। नहीं, सीजन से पहले तैयारी कैसे बताऊं? सीजन से पहले मतलब जैसे मतलब एकदम पीक टाइम पे नहीं, 10 दिन पहले इंशाल्लाह आपको बता देंगे तो सीजन के आसपास डाल देंगे, आ जाएगा वो। ये बार टारगेट है अपना 150 पार करने का इंशाल्लाह, लास्ट टाइम 150 तक गए थे माशाल्लाह, इंशाल्लाह ये बार उसके ऊपर का टारगेट है। सही है। तो अभी और टोटल ऑल अराउंड खस्सी अंडुल मिला के कितने बकरे? 100 बकरे। 100 बकरे की कैपेसिटी है अपने पास, और आपने देखा ही है कि उतनी जगह मेरे पास अवेलेबल। सही है, स्टोरेज रूम नीचे है, आदमियों का रूम नीचे अवेलेबल,
अवेलेबल है, 24 घंटा आदमी फार्म पे ही रहते हैं। सही है, तो भाई बकरे भेजो, पहले फार्म पे अगर आपको चाहिए तो विजिट कर लो, विजिट करो, आप कोई भी टाइम आओ आपको ऐसी ही सफाई दिखेगी, नीट एंड क्लीन फार्म है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, सब तरफ से ओपन है, फैन लगे हुए है, नीचे की तरफ आप देखो तो एग्जॉस्ट फैन, हाई स्पीड फैन सब लगे हुए हैं, कैमरा है, आ जाओ मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 10 में, क्या भाई हम आपके फार्म के दरवाजे पे खड़े, ऐसा भी मत बोलो कि हम फार्म पे आ रहे, डायरेक्ट बोलो दरवाजे पे खड़े, आप ऐसा एंटर करो इंशाल्लाह आपको ऐसा ही दिखेगा डेली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साफ सफाई के लिए तो भाई अपन ने कभी आज तक बोले नहीं, क्योंकि वो चीज़ देख के पहले दिन से आ रही है, तो मेरे पास 4 साल से आ रहे हो समीर भाई, आपको तो सब आइडिया है, मेरे पहले दिन से ही देख रहे हैं कि वो चीज़ मेंटेन है, तो वो चीज़ पे बार 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 अपन ने कभी बात ही नहीं की, तो भी अपना काम में बताना कि आप कभी भी आ सकते। सही बात है, तो भाई आप लोग कभी भी आओ, आप फ्री हो कभी भी आओ, कॉल करके यहाँ पे पहुँचो, विजिट करो और बकरे यहाँ पे ज़रूर दो, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और बोलोगे कि भाई क्वालिटी गोट फार्म पे बकरे अच्छे तैयार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। से वीडियो क्लोज करते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर मैं उमेर भाई का दे दूंगा, आप लोग आओ और बकरे भी लेकर आओ, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।